अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू रेसिपी फ्रॉम द हाशिमाइट किचन। आज की जो रेसिपी है वो कच्चे कीमे के कबाब बना रही हूँ बड़े के गोश्त का। मैं दुकान से हाथ का कीमा ली थी और घर पर लाकर उसको मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा सा पीस लिया है 30 सेकंड्स के लिए। ये मैंने एक बड़ा प्याज लिया था, चॉप करके इसमें का पानी निकाल दिया। ये पपैया है जो कि गोश्त को गलने में मदद करता है। हरा धनिया और हरी मिर्च, एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी, एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच ज़ीरा पाउडर, छोटा चम्मच ज़ीरा साबुत ज़ीरा, एक छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स लाल मिर्च, नमक, मस्का और एक आधा चम्मच चाट मसाला और थोड़ा सा तेल। ये तेल और बटर मिलाना ज़रूरी है ताकि हमारा कबाब जूसी हो। और उसके बाद 2 बड़ा चम्मच मैंने बेसन का मिलाया है, 1 छोटा चम्मच नींबू का जूस। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए और जैसे ही अच्छा सा मिक्स हो जाए तो उसको हमें कवर करके क्लिंग रैप से फ्रिज में रख दीजिए या किसी ढक्कन से भी आप ढाक कर इसको फ्रिज में रख दीजिए। ओवरनाइट रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है ताकि पपीता इसको गलने में मदद करता है। और अगर आप मिनिमम 4 से 5 घंटा भी रखें तो कोई मसला नहीं है। ख्याल रखिएगा जब आप कबाब दुकान से लेते हैं तो उसको बोलिएगा रूखा कबाब देने के लिए, उसमें थोड़ी सी भी चर्बी या कोई स्किन ना हो, बिल्कुल रूखा लाल गोश्त लीजिएगा। और ओवरनाइट रखने के बाद जब मैं कीमा बाहर निकाल रही हूँ तो इसको मैंने 5 मिनट अच्छे से हाथ से गूंदा है और हाथ की हथेली से इसको बहुत अच्छे से गूंदिएगा 5 मिनट तक, ताकि इससे क्या होता है जो कबाब खाने के टाइम रेशा आता है मुँह में वो नहीं आएगा और कबाब अच्छे तरीके से गल जाता है तो खाने में आसानी होती है। कभी कभी बड़े के कबाब जल्दी गलता नहीं है, इसकी वजह से इसमें या तो पपीता पाउडर या फिर कच्चा पपीता मिला दीजिएगा और ओवरनाइट कच्चा पपीता मिलाने के टाइम उसमें का पानी निकाल दीजिएगा और उसको ओवरनाइट रेस्ट करने दीजिएगा। थोड़ा थोड़ा पानी हाथ में लगाकर इस कबाब की टिक्की बना लीजिए। आपको पतला बनाना है पतला कबाब बना सकते हैं, मोटा बनाना है मोटा कबाब बना सकते हैं। ये कबाब बनाकर रेडी रख लीजिए। और उसके बाद मैंने एक नॉन स्टिकी तवे पे इस कबाब को बनाया है, शैलो फ्राई किया है, मतलब थोड़े थोड़े तेल पे। आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं लेकिन लो मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा उसको 5 मिनट तक डीप फ्राई में भी पकने दीजिएगा। मैंने नॉन स्टिकी तवे पे थोड़े से तेल में जो इसको शैलो फ्राई किया है ये कुछ 8 से 10 मिनट मैंने लो मीडियम फ्लेम पर पकाया है इसे दोनों तरफ से। अगर आपको लगता है कि कबाब कच्चा है तो आप इसको डीप फ्राई कर लीजिएगा या इस तवे पे थोड़ी देर तक ज़्यादा देर तक पका लीजिएगा। ख्याल रखिएगा जब आप इस कबाब को मिक्सर में पीसेंगे तो इसको 30 सेकंड के लिए छोटे छोटे पल्स में पीसिएगा, मतलब एक साथ इसको नहीं पीसना है, नहीं तो कबाब का जो टेक्सचर है वो ख़राब हो जाता है। अगर आपके कबाब ज़्यादा टूट रहे हैं, आपको लगता है कि टूट जाएंगे, तो उस केस में आप थोड़ा सा बेसन इसमें ज़्यादा मिलाइएगा। बाइंडिंग एजेंट अगर कम होगा तो आपका कबाब टूटेगा। ख्याल रखिएगा कबाब के टूटने की 2-3 वजह है। अगर इसमें कुछ थोड़ा सा मॉइस्चर रह जाए, जैसे थोड़ा पानी रह जाए या फिर आप मिक्सर में से ना पीसें या फिर कोई बाइंडिंग एजेंट ना डालें तो इस केस में कबाब तेल में टूटने के ज़्यादा चांसेस हैं। बस ये थी मेरी रेसिपी। अगर आप इसे पसंद करते हैं, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।